नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर के शो सिटी बस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपको हम बता दें कि जैसा हमारा ये रायपुर स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है घूमने को, देखने को। अब इसके साथ एक और नाम जुड़ने वाला है जो है सस्पेंशन ब्रिज, जिसको लक्ष्मण झूला के नाम से भी जाना जाएगा। इसका नाम लक्ष्मण झूला भी रखा गया है और यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी आने वाले हैं उद्घाटन करने के लिए। सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं और कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होने वाला है। महादेव घाट के खानूर नदी का ये पहला सस्पेंशन ब्रिज होगा, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला सस्पेंशन ब्रिज होगा। तो आप देख सकते हैं लोग कितना एक्साइटेड हैं, कितना भीड़ है, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। मैं आप लोगों को सस्पेंशन ब्रिज दिखाने जा रही हूँ। इसका नाम सस्पेंशन ब्रिज या लक्ष्मण झूला इसलिए है क्योंकि आप इसमें जब चलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप इसमें झूले में चल रहे हैं या झूले में हैं, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया है। और पहली बार छत्तीसगढ़ में सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, पहली बार ये सस्पेंशन ब्रिज छत्तीसगढ़ में बना है, तो काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आने वाले हैं और इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रहा है और लोग आते ही जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आने का टाइम हो गया है। तब तक हम अपनी जनता से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस ब्रिज के को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं इस ब्रिज के लिए। मस्त लग रहा है, आउटस्टैंडिंग। और कितना एक्साइटेड हैं आप ब्रिज को लेकर? जब से ये बन रहा है तब से मैं बहुत एक्साइटेड था, कब ये बनना, मतलब इसमें चलना स्टार्ट होगा करके, कम से कम 2 साल तो 1.5 साल हो गया होगा। मतलब आपने इसको बनते देखा है? हाँ, मैं यही कहूँ। ओके, तो आप काफ़ी खुश हैं आज इसका उद्घाटन होने वाला है, कल से आप यहाँ पे घूमने आएंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, आपने इसको बनते देखा है? नहीं। आप कहाँ से आए हैं अभी? कितनी देर से आए हैं? 1 घंटा हो गया। ओह माय गॉड, 1 घंटा हो गया। तो अब भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि अब उद्घाटन होने वाला है, आपको यहाँ पे घूमने का मौका मिलेगा। जी हाँ। ओके, थैंक यू। लोग बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं कि यहाँ पे उनको अब घूमने का मौका मिलेगा, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे गार्डन है, बच्चों के लिए झूले हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और वो बहुत खुश हैं और वो काफ़ी 1-2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और उद्घाटन करेंगे, तो वो देखेंगे। इनका कैलाश केव है जहाँ काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक साइड से ये पानी के बौछार हो रहे हैं दोनों साइड से और ये स्टैचूज हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये। और इसका नाम है कैलाश केव। इस गार्डन का ये एक ऐसा पार्ट है जो गुफा की तरह बनाया गया है और काफ़ी सुंदर है, आप भी देख सकते हैं ये गार्डन का गुफा। आप ये यहाँ का गार्डन देख सकते हैं जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये गार्डन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर डेकोरेट किया गया है, इसको सजाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसका उद्घाटन हो गया है तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। काफ़ी सुंदर जगह है ये अपना अच्छा टाइम बिताने के लिए, तो आप अब यहाँ आ सकते हैं और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए गार्डन, बस सर वहीं खड़े हो जाइए। हाँ, आज एक बहुत और आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री कुटारे जी। साधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि की असंधि को स्वीकार कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आभारी हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष विभागीय मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के तो आज से इस लक्ष्मण झूला का नाम हमारे रायपुर के साथ जुड़ गया है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन हो चुका है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे टॉप रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, थैंक यू।